कुछ कहेंगे इस जर्नी के बारे में, कैसे कल्पना आई आपके इस उम्र में, छोटी उम्र में? 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के, जैसे आपने पहले भी सुना है कि डेवलप्ड इंडिया मिशन नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सबके सामने रखा है एज एन इंडियन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक पॉइंट के वजह से इट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया टू मूवमेंट टू प्रेजेंट इंडिया इन इट्स रॉयल एंड रिच फॉर्म. So I'm going in a sari and today is the day. So I am very excited because it's a celebration of India and I'm a proud Indian. He is a proud Indian and it's a movement. Yes. So, इसीलिए you are excited to be here and I am blessed. Yes. Sir, अभी यहाँ से मैं दिल्ली जा रही हूँ नरेंद्र मोदी जी के मीटिंग्स की एक्सपेक्टेशंस है मुझे बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया and he can give that right dignity to this whole contributions of so many people from the seed to right now it's a plant and I want to make it a huge tree that it's a ride across world from Bharat. I want to represent the Bharat in the real form. So Delhi tak jaungi, wahan se meri bike airlift ho jayegi Perth ke liye and Perth to Sydney ka jo journey hai wo aap dekhoge mere Instagram handle se. That's it. Acha kya kuch kahenge un mahilaon ko kya khata hai wo kali woman se gaya hai. This is a tribute to all the women of India and we are already prepared for developed India. So that's what I have to say. परिवार वाले क्या कुछ कहे जब आपने कहा कि मैं ये बाइक वाली चल सकती हूँ? देश के लिए कोई भी काम कर रहा है तो वो प्राइड की बात है, तो सभी लोगों का उतना ही कहना है कि इट्स फॉर इंडिया सो वी आर ऑल सपोर्टिंग यू. कहीं से कुछ उनको लगा नर्वस रिएक्शन में कुछ हुआ? वो फिकर तो हमेशा रहेगी बच्चे की बट डर कोई नहीं है क्योंकि देश के लिए जा रही हूँ तो इट्स ऑल इट इज. थैंक यू. ये जो कुछ अभी इसने अटेम्प्ट किया है दिस इज़ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल और व्हेन शी अप्रोच्ड मी और उसने मुझे ये सब आइडिया बताई तब मुझे भी लगा था दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग बट द ग्रेस शी कैरिड एंड द वे शी अप्रोच्ड मी इट लाइक रियली फेल्ट माई हार्ट. और वो कनेक्शन जो बोलते हैं ना इंडियन टू इंडियन कनेक्ट जब होता है इट्स ऑन अनदर स्केल एंड दैट बूस्टेड मी. सो आई सपोज दैट शी इज़ गोइंग टू डू दिस विथ फुल एंड शी विल कम्प्लीट ऑल दिस. मैं उसके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा एंड आई थिंक शी हैज़ दैट एक्स फैक्टर इन हर द वे शी कैरीज हर सेल्फ एंड दैट्स द रीज़न वी ऑल आर हियर. सो इट्स अ ग्रेट थॉट. इस झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर, रमाबाई रानड़े, इन्होंने कुछ उसी तरीके से हमारे इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट किया है, उसी तरीके से मैं कर रही हूँ. तो ये आइडिया कुछ नहीं था, इट्स अ न्यू नॉर्मल राइट नाउ. और सबसे बढ़िया चीज़ कि वो महाराष्ट्रियन कल्चर जो एक नथनी और कुड़ी रहता है वो पहन के वो पूरा प्राइड जो है वो सारा क्राफ्टेड बाय एन आर्टिस्ट है. और ये प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं एक साथ मिलके वो हर एक इंडियन आर्टिस्ट के लिए है जो हैंडमेड चीज़ें बनाता है. ये जो प्राइड है, ये प्राइड और ये कान की जो बालियां है, दिस इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया. आई बीइंग अ इंडियाज डॉटर एंड भारत की बेटी, आई एम इन टू अ मूवमेंट ऑफ सेव सॉइल राइट नाउ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड गिव वॉट responsibility of me being a citizen of India. सबसे बेस्ट चीज़ ये होने वाली है, सबसे बेस्ट दैट इंडियन कल्चर
इज गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सबसे बढ़िया चीज होने वाली है. महाराष्ट्रियन कल्चर, हमारा जो नथनी साड़ी कुड़िया, ये जो हमारा हर रोज का कॉमन की पब्लिक यूज ऑल दिस, सो ये सब हम ओवर द सीज वी आर टेकिंग इट अलॉन्ग एंड इट इज गोइंग टू कनेक्ट एवरी वन. हर एक आदमी का ये ड्राइव होना चाहिए, ऐसा हम कनेक्ट कर रहे हैं. एंड एवरी स्मॉल थिंग इज गोइंग टू बी फेल्ट, इट इज गोइंग टू अटैच हर. और सब हम, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, सब इकट्ठा होके उनको हम एम्पावर करेंगे. और ये जो कुछ कर रही है, ये टास्क जो उसने उठाया है, वो 100% अकम्प्लिश होगा, ये हम दुआएं देंगे उसको. थैंक यू.